हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपने सोलमित शिवाना और आपके लिए प्रिडिक्शन लेके आई हूं साप्ताहिक राशिफल 7 सितंबर 2020 से लेके 13 सितंबर 2020 के लिए। अब बारी है सैजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए, तो देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या लेके आए हैं। पर उससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं आपको कैसे देखना है अपना राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपना लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड या फिर नाम राशि, सन साइन, जैसे भी देखना चाहें देख लीजिए, जैसे हमेशा देखते हो या जिससे भी आप रेजोनेट करें। ये जो जनरल रीडिंग होती है ये आपकी गाइडेंस के लिए होती है, ताकि आप अपने समय को बेहतर बना सकें और उसका समय का सदुपयोग कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। कार्ड हमें बताइए सैजिटेरियंस के लिए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट है, बहुत ज़्यादा सोच विचारी का आपका रहने वाला है इस वीक। मैं कहूँगी सैजिटेरियंस, आप जो है अपने इमोशंस को बहुत काबू करने वाले हैं, अपनी इच्छाओं को बहुत काबू करने वाले हैं, माइंड से सोचने वाले हैं, यानी कि हर चीज़ जो आपको बुरी लगती है उससे आप अपनी आँखें बंद कर लेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपको पसंद हैं उनको आप इन्वाइट करना चाहते हैं। इस वीक नहीं होगा पाएगा, इनविटेशन उनको नहीं पहुंच पाएगा, बट हाँ आप जरूर अपने ऊपर काम करने लगेंगे, यानी कि चीजों को अपने ऊपर, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे समुद्र है आगे जमीन है, तो आप उन्हीं चीजों पे फोकस करने वाले हैं जो आपकी लॉन्ग टाइम रहने वाली है, जिनके ऊपर जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, जिनकी ऑथेंटिसिटी है, जिनमें एक स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है, कह लीजिए रिलेशन, कह लीजिए वर्क, कह लीजिए जॉब, कह लीजिए एनी फील्ड। तो आप काफी सोच समझ के काम करने वाले हैं, इमोशंस को पीछे छोड़ने वाले हैं, माइंड को भी आपने एक तरह से आंखें बंद कर ली हैं, कि कई बार क्या होता है, हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता, जो देखते हैं वो सच नहीं होता, तो कई बार हमें मन की आंखों से देखना चाहिए। तो कई बार दिख रहा है जी आपको बहुत कोई प्यार कर रहा है, बहुत आ रहा है, आपको मिल रहा है, जुड़ रहा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो इस वक्त, इस हफ्ते जो है, आप देखी दिखाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, आजकल तो सोने में भी मिलावट होती है। कई इस तरह की ज्वेलरी निकल आई है जो कि जरा सा विम से साफ करें तो सोने की तरह चमकने लगती है, तो जरूरी, पर वो सोने की कीमत नहीं होती है उसकी। तो जो दिख रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो, उसमें कुछ और ही हो, या मैं इसको दूसरी तरह से भी कहूंगी, हो सकता है आप किसी की तरफ इमोशनली अपने आप को ना, अपना दिल का दरवाजा बंद कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो आ नहीं रहा, या ना आ नहीं रही है, मुझे ये नहीं कह रहा या मुझे ये नहीं कह रही, हो सकता है वैसे ना हो, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है। मे बी उस पर्सन की कोई प्रॉब्लम्स है, मे बी उसको कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है, दे पा रही है, तो उस वक्त में भी आपको दिख कुछ रहा है, हो है कुछ और, फिर बाद में पछतावा होता है कि अरे ऐसा था, वैसा था, वैसा था। तो यहाँ पे समझ लीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट आप देंगे सैजिटेरियंस, और आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, इमोशंस को ज्यादा हावी नहीं होने देंगे, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि काम रहने की कोशिश करेंगे, शांति शांति शांति, माइंड में भी शांति, बॉडी में भी शांति, और सोल में भी शांति, कहना है रिएक्ट नहीं करेंगे एकदम से, कहते ना ये और वो, तुम्हारी ये और तुम्हारी वो, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे, नो गाली गलोच, नथिंग, नो बैड वर्ड, नो अब्यूजिंग थिंग, नो उसको भी कहेंगे कि कर्सिंग भी नहीं होगा, सिर्फ जो है काटा लगा के बैठे, नॉट एक्सेप्टेड करके चुपचाप जो। तो ये सिचुएशन रहेगी आपकी कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, और सब अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। कहते हैं ना साइलेंस, साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन, आप चुप रहिए, मूक दर्शक बनिए, चुपचाप देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको सारे जवाब मिलेंगे और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। एंजल्स, आहा क्या बात है, कृष्णा, फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर करेंट सिचुएशन, कृष्णा कह रहे हैं आपको जरूर आपकी सिचुएशंस का जवाब मिलेगा, जिस चीज से आप जवाब चाहते हैं, और आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो गया कि जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं है, चाहे वो आपको अच्छा दिख रहा है तो वैसा नहीं है, जो बुरा दिख रहा है वो वैसा नहीं है,
या फिर आपको कहीं पे भी शक की गुंजाइश है तो उसके सारे जवाब आपको मिलेंगे। बट आपको कृष्णा के जैसे जो है अपना चक्र चला के चुपचाप एक जगह पे मंद मंद मुस्कुराना पड़ेगा और चीजें देखिए आपके खुद ही चली जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा और इंतजार, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत पसंद आता है। तो अभी के लिए मुझे आके दीजिए, जल्दी हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।